एफसीआई गोदाम रांची से लोहरदगा ले जाए जा रहे गेहूं की चोरी का एक मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रंगे हाथों पकड़ा है। बाद में ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जहां पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को पूछताछ के लिए थाने लाया है। बताया जा रहा है गेहूं लेकर लोहरदगा जा रहा ट्रक चानो थाना इलाके में रुका और गेहूं के बोरे की चोरी करने लगा। इस मामले की जानकारी चानो ग्रामीण को जैसे लगी, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जानकारी के मुताबिक एफसीआई के 6 से 7 बोरे की चोरी हुई है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि एफसीआई गोदाम से ट्रक 500 गेहूं के बोरे लेकर लोहरदगा के लिए निकला था। गाड़ी नंबर कितना है? गाड़ी नंबर कितना है? जमशेदपुर के मशहूर जुबली पार्क का गेट पिछले 18 महीने से बंद है, जिससे खोलने के लिए अब आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर नागरिक सुविधा मंच की तरफ से बिष्टुपुर थाना में जुस्को के एमडी तरुण धागा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनका कहना है कि जुबली पार्क का गेट बंद होने से रास्ता का परिचालन ठप हो गया, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम लोग पिछले हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों लोग जो उस रोड से प्रभावित है यहाँ आए हुए हैं कि उन पर मुकदमा हो, धारा 353 लगे, उनको भी जो आम नागरिक पर केस होता है, आम जनता पर जो केस होता है उसी तरह उन पर केस हो और उनको भी जेल जाने का तैयारी करे प्रशासन। अगर नहीं करती है उसके लिए भी हम लोग विकल्प खोल के रखे हैं। जब आंदोलन हम लोग चालू किया है तो एक पैर रेल में एक पैर जेल में जाने के लिए तैयार है। प्रशासन को उनको गिरफ्तार करना होगा, नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हम लोग एक रणनीति बनाकर बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जमशेदपुर में तैयार।